मैं हूं अलेशा और आप देख रहे हैं AHUD फिटनेस। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आपका लव और सपोर्ट का ही नतीजा है। तो बहुत ही थैंक यू आपके लव और सपोर्ट के लिए। तो आप ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहना और वीडियो को हमारी फैलाते रहना, शेयर करते रहना। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं पहले ये बता दूं कि ये हमारी होम वर्कआउट सीरीज चल रही है पूरी। इसमें हम अपने हर एक पार्ट को बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी जिम के इक्विपमेंट्स, डंबल या बारबेल के बिना ट्रेन करते हैं। मैंने पहले ही 3 वीडियोस बना रखी है हमारी होम वर्कआउट सीरीज पे। अगर आपने पहले वो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे ट्रेन करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आज हम अपने लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं। तो लेग्स में हम अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स और साथ ही साथ अपने काफ्स, सारी चीजों को हम ट्रेन करेंगे और मैं आपको सारी चीजों की अलग अलग एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि लोग ज्यादातर अपनी अपर बॉडी पे ज्यादा फोकस करते हैं और लोअर बॉडी पे ज्यादा फोकस नहीं करते। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोअर बॉडी को ज्यादा ट्रेन करें, जैसे कि उसकी एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, तो स्क्वाट्स करने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन वो ज्यादा बूस्ट होता है। लोअर बॉडी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और उसे अच्छे से ट्रेन करें। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कआउट शुरू करने से पहले आप थोड़ा वार्म अप जरूर करें ताकि आपकी मसल की स्टिफनेस चली जाए एंड आपको इंजरीज का कोई चांस ना हो। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसमें आपको 3 सेट्स लगाने हैं और हर सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं। इस वर्कआउट में आपको अपने पैर की पोजीशन अपने शोल्डर लेवल से थोड़ी बाहर रखनी है और इस एक्सरसाइज में बैक और नीज के इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है। तो आप अपने बैक को स्ट्रेट रखें थ्रू आउट द मूवमेंट और नीचे जाते वक्त अपनी नीज को बाहर की तरफ बेंड करें। और इस एक्सरसाइज को ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वेट रखें। हमारी दूसरी एक्सरसाइज का नाम है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। इसमें आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनको नी इंजरी का प्रॉब्लम है। इस एक्सरसाइज में आपको अपना एक पैर बेड या बेंच किसी भी हायर पोजीशन पे रखना है और दूसरा पैर आगे रखना है एंड अपने दूसरे पैर से बैलेंस करके आपको नीचे जाना है। हमारी तीसरी एक्सरसाइज का नाम है सुमो स्क्वाट्स। इसके भी आपको 3 सेट लगाने और हर सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगाने। इसमें आपको अपने लेग्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर ब्रॉड रखने। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स एंड इनर क्वाड्स के लिए बहुत ही अच्छी है। एक्सरसाइज को ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और बैग में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वेट रखें। और इस एक्सरसाइज में बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी चौथी एक्सरसाइज का नाम है स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट्स लगाने और हर सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगाने। ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग मसल को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बैक का खास ख्याल रखना है, अपनी बैक को मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट रखना है थ्रू आउट द एक्सरसाइज। नीचे जाते टाइम अपनी नीज को थोड़ा बेंड करें और अपनी बैक को स्ट्रेट रख के एंड अपने ग्लूट्स को थोड़ा पीछे की तरफ करके नीचे जाना है ताकि आपको हैमस्ट्रिंग पे प्रॉपर इफेक्ट आए
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. हमारी पांचवी एक्सरसाइज का नाम है लंजेस। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। इसके आपको 3 सेट लगाने और हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन लगाने। इस एक्सरसाइज में आपको अपना एक पैर आगे ले जाना है और 90 डिग्री के एंगल। फिर बैंड करना है। अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो आप इस एक्सरसाइज को चलते हुए भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारी 6th एक्सरसाइज का नाम है काफ रेस। ये हमारे काफ्स को टारगेट करती है। इसके भी आपको 3 सेट लगाने और हर सेट में आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगाने। मैं पहले आप लोगों को हार्डर वर्जन दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको एक पैर हवा में रखना है और दूसरे पैर पे काफ पे फोकस करके सिर्फ अपनी एडीओ से ऊपर होना है। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. और अगर आप वो हार्डर वर्जन नहीं कर सकते तो आप ये इजी वर्जन कर सकते हो, जिसमें आपको दोनों पैर के सपोर्ट रहेगा तो बैलेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गाइस, ये था हमारा आज का वर्कआउट जो कि लोअर बॉडी पे था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और आगे की होम वर्कआउट की वीडियो भी जरूर देखना। और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो। सब्सक्राइब होना चाहिए, सब्सक्राइब ना मत भूलना।